एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में से ज्यादातर नहीं बल्कि सभी लोगों ने नागबनी के बारे में सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस दुनिया में ही नहीं रहते, क्योंकि ये कंसेप्ट है ही इतनी फेमस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है या नहीं? अगर ये सच है तो कहाँ है नागमणि, और अगर ये झूठ है तो इसका जन्म कहाँ से हुआ, मतलब ये अफवाह फैली कहाँ से? आज के इस वीडियो में मैं इसी की रोचक कहानी आपको सुनाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत ही फेमस बात से, इच्छाधारी नाग और नागिन। मतलब मुझे लगता है ना कि ये आज तक के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक होगा, और बहुत सारे सीरियल्स और फिल्म के बनने के बाद ये और पॉपुलर हो गया है। हम ऐसी कहानी सुनते हैं कि अगर कोई नाग 100 साल से ज्यादा जीवित रह जाता है तो वो इच्छाधारी बन जाता है और उसके सर पे एक नागमणि जन्म लेती है। लेकिन क्या इस कहानी में कुछ भी सच्चाई है? हाँ, आपको सुन के ये अजीब लगेगा कि नागमणि सच में होती है, लेकिन ये उससे बहुत अलग है जो हम देखते और सुनते हैं। क्या होता है, कभी कभी कोबरा सांप अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपनी जरूरत से कम जहर का इस्तेमाल करता है, तो जो जहर बचा रह जाता है वो समय के साथ उसके माइंड में डिपॉजिट होते चला जाता है और वो अंत में एक कड़े पत्थर का रूप ले लेता है, और उसमें जहर के प्रेजेंस के कारण वो बहुत चमकता भी रहता है और लोग उसे नागमणि मानने लगते हैं। लेकिन ये बहुत कम बार देखा जाता है, इसलिए ये बहुत रेयर भी है। लेकिन मुझे लगता है अनंत सालों से लोगों को इसके नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत बार लोगों को ठगने के लिए सपेरे सांपों के ऊपर के स्केल को काट के उसमें पत्थर डाल देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि हाँ ये असली नागमणि है। लेकिन इन सभी कार्यों का अंत करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सांपों को काफी दिक्कत होती है। एक और बात है, बहुत सारे जगहों पर लोग इस नागमणि या स्नेक स्टोन को सांप के जहर को काटने के लिए एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और लोग इसे चमत्कारी पत्थर मान लेते हैं। ये ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में होता है, लेकिन WHO इसे भी मना करता है। लेकिन आज भी बहुत सारे जगहों पर इसका प्रयोग किया ही जा रहा है, और बहुत सारे लोग तो नागमणि पे अब भी विश्वास करते हैं। कुल मिला के देखें तो ये नागमणि का कॉन्सेप्ट सच है भी और नहीं भी है। मतलब ये जैसा हमें बताया गया है ये वैसा नहीं है, लेकिन नागमणि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को नागमणि की असलियत जान के अच्छा लगा होगा। आगे और ऐसी मजेदार और रोचक कहानियों के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे।